हेलो फ्रेंड्स, ये डिजाइन मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। स्टोल का डिजाइन है और आप इसे फ्रॉक में भी डाल सकते हैं। और सी एंड डू पे आपका स्वागत है। अगर ये मेरा डिजाइन आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये बुना ही मैं आपको आज बनाना बता रही हूँ। दो फंदे का डिजाइन है ये जो हर फंदे को डबल करके हमको बनाना है इस तरह से। दिखाई दे रहा सर, इस तरह से साइडों का एक एक फंदा हमको सीधा बनाना है इस तरह से। अब ये मेरी उल्टी सिलाई आ गई है पीछे। अब ये उल्टी तरफ से अब इसको बदला जाएगा। ये जो मैंने फंदे दो डबल बनाए हैं, इस तरह से हम दोनों खोल लेंगे। इसके बाद ये वाला फंदा इसके ऊपर इस तरह से उतारेंगे। ये इसके अंदर ऐसे उतारना है, इसके अंदर को निकालना है, फिर हम इसको बुन लेंगे इसी तरह से। फिर से देखिए ध्यान से, ये उतारा। ये फंदा मैंने इस फंदे के अंदर को निकाला है इस तरह से, फिर इसको बुन लेना है इस तरह से। ये फंदा इस पर लेके उतारा और इस फंदे को हमने फिर दोबारा दो बार ऐसे बुन दिया। ये दो फंदे उतारे, पिछला फंदा अगले फंदे के ऊपर इस तरह से उतारा और फिर हमने इसको बुन दिया इस तरह से। बुनाई ये फंदा इसके ऊपर अंदर को निकाला इस तरह से। और लास्ट का फंदा ये हमको सीधा ही बुनना है। अब ये सिलाई आई है, ये देखो इस तरह से बनता जाएगा ये डिजाइन। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। पहला फंदा आप उतार लीजिए। अब हर फंदे को हमें लपेट कर ऐसे बुनना है सभी फंदों को। इस तरह से इस तरह हमें सारे फंदे बनाने हैं। ये है लास्ट का फंदा, हमें ऐसे बनाना है। अब देखिए ये मेरा बैक साइड आ गया है। ये मैंने फंदा उतार लिया। ये फंदे जो मैंने इस तरह से हमें खोलने हैं, देखिए ध्यान से, ये पिछला फंदा इसके ऊपर अंदर से ऐसे निकालना है और फिर इसको बना देने के लिए फिर से इसी को रिपीट करेंगे। ये फंदा इसके अंदर से निकालेंगे और फिर बुन लेंगे। पूरी सिलाई हम इसी तरह से रिपीट करेंगे। ये है इस तरह से निकालेंगे। ये इस तरह से उतारेंगे और ये पूरी सिलाई हम इसी तरह से रिपीट करेंगे। इस फंदे को इसके अंदर से निकालेंगे, इस तरह से बनाएंगे। लास्ट का फंदा हमको ऐसे ही बनाना है। अब आप देखिए ये इस तरह से बनेगा डिजाइन। तो जब आप इसे बार बार रिपीट करेंगे तो ये इस तरह से बनता जाएगा। जैसे ये डिजाइन है मैंने बना रखा, तो बिल्कुल इस तरह से बनता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।